गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुधाकर सर एंड टुडे आई टीच टू यू क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 8। स्टूडेंट आज मैं आपको चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा जिसमें आपका एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो, मतलब आपको रेशियो निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो देखेंगे फाइंड द रेशियो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात। ए नंबर पे है रुपए 50 पैसे, रुपए 5 to 50 पैसे, ₹5 को 50 पैसे, और इनको रेशियो में लिखना है। तो सॉल्वेशन में आप देखेंगे सॉल्व ए, यहां पे लिखेंगे रुपए 5 to 50 पैसे। अब 5 रुपी 1 इक्वल टू क्या होता है 100 पैसे, ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। तो यहां पे इनका रेशियो क्या होगा, आप लिखेंगे रेशियो इक्वल टू 5 रुपए एंड 50 पैसे। 5 रुपए को क्या लिख सकते हैं, 1 रुपए को 100 पैसे लिखते हैं, तो 5 रुपए को क्या लिख सकते हैं 500 पी 50 पैसे, पी मतलब होता है पैसे। अब ये 500 पैसे, ये 50 पैसे, इनका जो रेशियो होगा तो आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 5 बन जाए 5, 5 10 जाए 10, क्या हो जाएगा 10:1। और ये आंसर बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन। अब बी नंबर पे आपका क्या दिया है, इसी में देखेंगे। बी नंबर पे आपको दिया है यहाँ पे 15 kg to 201 ग्राम, 15 kg to 210 ग्राम लिखा, 1 ग्राम नहीं। सॉल्व बी। अब इसमें आप 15 kg to 210 ग्राम लिखें, 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम होता है। तो इनका रेशियो जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा, 15 kg है, जब kg है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 15,000 ग्राम अपॉन 210 ग्राम, 0 से 0 कन्वर्ट कैंसल हो जाएगा, ये 3 से कैंसल हो जाएगा, 3 5 जो 15 3 7 जो 21, ऊपर कितना है 500 अपॉन 7, जिसे रेशियो में आप लिख सकते हैं 500:7, ये आंसर। इस तरह थर्ड नंबर है 9 meter to 20 centimeter, मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप इसको क्या कहें निकाल लेंगे 30 days to 36 hours। चलिए मैं इसका सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में सेकेंड क्वेश्चन आपका है इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब में देयर आर 3 computers for every 6 students, इसमें लिखा है 3 computers for every 6 students, हाउ मेनी कंप्यूटर विल बी नीडेड फॉर 24 students। कहता है कंप्यूटर लैब में 3 computers for every 6 students, मतलब 6 students के लिए 3 computer है, कितने कंप्यूटर है 3 computer है 6 students के लिए, तो हाउ मैनी कंप्यूटर विल बी नीडेड टू 24 students, तो 24 students के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। तो समझते हैं, सेकंड नंबर इन अ कंप्यूटर लैब, ये कंप्यूटर लैब में गए, There are three
कंप्यूटर फॉर एवरी सिक्स चिल्ड्रेन फॉर एवरी सिक्स चिल्ड्रेन हाउ मैनी कंप्यूटर्स How many computers will be needed for will be needed for 24 students? इन अ कंप्यूटर लैब एक कंप्यूटर लैब में देयर आर थ्री कंप्यूटर्स फॉर सिक्स चिल्ड्रेन थ्री कंप्यूटर जो है सिक्स चिल्ड्रेन के लिए अवेलेबल है हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट के लिए 24 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी यही हमें निकालना है सॉल्वेशन सेकंड तो यहाँ पे इन अ कंप्यूटर लैब यहाँ पे लिखेंगे इसमें In a computer lab, एक computer lab में three computer for six children. तो यहाँ पे ratio देखिएगा computer children, computer ratio children equal में आप लिखिएगा कंप्यूटर रेशियो चिल्ड्रेन अब यहां पे आप देखेंगे थ्री कंप्यूटर कितने बच्चों के लिए है सिक्स बच्चों के लिए है और यहां पे कंप्यूटर तो आपको पता नहीं कितने हैं तो जब पता नहीं है तो आप यहां पे लिखेंगे यस और बच्चे कितने हैं 24 चिल्ड्रन दिया है स्टूडेंट्स दिया स्टूडेंट्स दिया आप यहाँ पे स्टूडेंट लिखो चिल्ड्रन नहीं स्टूडेंट थ्री कंप्यूटर सिक्स स्टूडेंट कंप्यूटर के नंबर ऑफ कंप्यूटर हमें नहीं मालूम है तो आप यक्स लिखेंगे 24 ओके सॉल्व करने की प्रोसेस थ्री अपॉन सिक्स इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं यक्स अपॉन 24 इसको अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं बच्चों तो ये आप कैंसिल हो जाए थ्री वन जे थ्री थ्री टू जे सिक्स ओके तो यक्स की वैल्यू कितना आएगी देखिएगा ये 24 इधर अपॉन में है उधर जाएगा तो किसमें चेंजेस हो जाएगा तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी कर सकते हैं 24 का मल्टीप्लाई हुआ 1 से 24 इंटू 1 और 2 का मल्टीप्लाई x से हुआ तो 2 इंटू x नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 24 इज इक्वल टू 2x 2 का ट्रांसपोजिंग होगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 24 अपॉन 2 जहां पे आपको x का आंसर मिलेगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 12 कंप्यूटर क्या आएगा 12 कंप्यूटर और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा क्या होगा आंसर थर्ड नंबर आप समझिए पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान 570 लाख जो दिया है उसको आप समझेंगे पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान राजस्थान की पॉपुलेशन इसमें बताया 570 लाख है फिर इसमें बताया है एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी यूपी की पॉपुलेशन इसमें बताया 1660 लाख थर्ड नंबर पे एरिया ऑफ देखेंगे राजस्थान का एरिया भी दिया होगा कि राजस्थान का एरिया कितना है एरिया ऑफ राजस्थान 3 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर एरिया ऑफ यूपी दिया है 2 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसे पूछ दिया हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ दीज स्टेट तो इसमें पूछता है कि हाउ मेनी पीपल मतलब कितने लोग जो है पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से दोनों स्टेट में रहते हैं दोनों राज्यों में रहते हैं दूसरा पूछते हैं विच स्टेट इज लेस पॉपुलेशन किस राज्य की पॉपुलेशन कम है तो आप ध्यान दीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये आपका पॉपुलेशन
पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान की पॉपुलेशन कितना है? आप यहां पे लिखेंगे 570 लाख। पॉपुलेशन ऑफ यूपी, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, 1660 लाख। एरिया ऑफ राजस्थान क्या है? एरिया ऑफ राजस्थान राजस्थान का जो एरिया है आपका 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ यूपी 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको सारा एरिया मिल गया और पॉपुलेशन मिल गई, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, पॉपुलेशन ऑफ यूपी, एरिया ऑफ राजस्थान, एरिया ऑफ यूपी। अब आपको क्या निकालना है? पहला क्वेश्चन से बोलता है हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ स्टेट। तो पीपल लिव इन, पहले राजस्थान, तो पीपल आर देयर, सॉल्व फर्स्ट करते हैं, पीपल ऑफ राजस्थान, पहले राजस्थान का निकालते हैं। अब देखेंगे राजस्थान में कितने लोग रह रहे हैं, 570 लाख लोग रह रहे हैं, और कितना एरिया है, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं हमें ये निकालना है। आप 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 2 आया, 3 9 जा 27, 190 लाख पीपल पीपल किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में आप देखेंगे 1 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, इसमें ऐसे लिखिएगा लाख किलोमीटर स्क्वायर ऐसे, तो मतलब 190 लाख पीपल किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से रह रहे हैं। फिर इसके बाद आप राजस्थान का निकाल लें तो यूपी का भी निकाल लें, तो पीपल आप उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, पीपल ऑफ यूपी में 1660 लाख, अवन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसमें आपको क्या मिलेगा, 2 6 2 8 16, 2 3 6, 200 किलोमीटर स्क्वायर, 830 किलोमीटर स्क्वायर, लाख पर किलोमीटर स्क्वायर लिखिएगा। और ये हमारा है कंप्लीट। तो अभी इसका सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर में पूछता है कि विच स्टेट इज द लेस पॉपुलेशन, तो सबसे कम पॉपुलेशन आप देख रहे हैं किसकी है, राजस्थान की, तो लिख देंगे आंसर में राजस्थान, सॉल्व यहाँ थर्ड का सेकंड लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे राजस्थान। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें।
समझे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।